ये सारे पौधे रेड बेरीज और येलो बेरीज के हैं, काफ़ी मीठे होते हैं। अपेरेंटली भालुओं को भी काफ़ी पसंद है। इट्स वन ऑफ पेट्स फेवरेट स्नैक्स। चलते चलते एक जगह से लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ो, उठाओ खाओ, थोड़ा आगे बढ़ो, उठाओ खाओ। शुरुआत से शुरू करते हैं ना। वैसे ये कहानी है तब की जब मैं मंत्रमुग्ध हुआ था, लाइक क्रेजी वाला। तो अपने इस हिमाचली एडवेंचर में मैं मनाली पहुंचा, थोड़ी ये गली थोड़ी वो गली देखी और मैंने डिसाइड करा कि पहाड़ों में जाते हैं ना, कब तक एक ऐसी जगह घूमते रहूँगा जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट भरे हुए हैं। वी आर एनर्जी फील्ड प्लेइंग थ्रू दिस बॉडी, क्वांटम फिजिक्स बोलता है। तो भैया सिस्टम में कौन खेलना चाहेगा, तो चलो लामाडुग। मेरे पीछे एक शॉप है छोटा सा, जहाँ से हम शायद मैगी एग और कुछ खाने का सामान ले गए, कुछ रिफिल करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो जो ओनर है वो 5 मिनट में आने वाले समय मालूम पड़ा है। इट्स अ गुड प्लेस मैन, क्या शांति यहाँ पे ना। एक काम करिए, पीनट का होगा ना, चने का पैकेट आता है वो वाला देखिए। यहाँ ऊपर अभी कुछ नहीं मिलेगा और ऊपर जाएगा तो मैंने यहाँ पर मैगी ले ली है, नट्स है इसके अंदर तो नट्स ले लिए कुछ, और 2 बिस्किट के पैकेट ले लिए, एंड यस दिस लिटिल एनर्जी ड्रिंक। तो अखिल का वेट करते हैं, देन विल गो लामाडुग कुछ कुत्तों को लेके। तो मैं मनाली से कुछ खा के नहीं निकला था, तो मुझे लगा कि मुझे ऊपर कुछ मिल जाएगा, बट ऊपर अभी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जिस शॉप से मैंने सामान लिया वहाँ पे आंटी है, उनसे बात करा, तो वो मुझे चाय ब्रेड देने वाली है अभी। और मैंने कुछ और सामान ले लिया है, कुछ टॉफीज़ ले लिए, तो कॉन्स्टेंटली मुँह में शुगर चलते रहेगा। सो यस, वेटिंग फॉर अखिल नाउ। अगर बंदा घर से निकला ही है कुछ पाने के लिए, तो ये खूबसूरत उतार चढ़ाव वाली सड़क ही उसकी दोस्त है, उसकी टीचर है। ये बहुत कुछ दे जाती है और बहुत कुछ सिखा जाती है, और अंत में आपको बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ छोड़ जाती है। आंटी की मदद और प्यार ही मेरे लिए काफ़ी था, यू नो, टू फिल मी अप विथ ग्रेटफुलनेस एंड पॉजिटिविटी। वी आर बैक ऑन द ट्रेल तो अब चालू होगा थोड़ी देर में। आंटी ने मेरे को ब्रेड और चाय दी थी, बटर ब्रेड, एंड वो शी इज़ लाइक मैं अपने मन से दे रही हूँ, मैं इसके पैसे नहीं जाती। So that's sweet. Refill कर लिया, पानी भर लिया। Let's go. And welcome to the fairy land, पहाड़ों की गोद में। As you can see, the proper trail starts from this point. नीचे तक तो rough patch था लेकिन थोड़ा white था, but अभी एक proper trail आ गया है, and it's like a fairy land, man. Beautiful. तो मैं एक ऑफलाइन मैप है जिसका नाम है ऑसम माइंड, इसमें बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं। आप कभी भी हिमाचल आए, कहीं पे भी इंडिया में, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आप ट्रैक करना चाहो, तो जो ट्रैकर्स होते हैं वो
बहुत सारी जगह जाते हैं, अपना एक खुद का ट्रैक रूट ढूंढते हैं और उस रूट को उसका मैप इस पर अपलोड करते थे। तो मैं लामाडुक का मैप यूज़ करके, ऑफलाइन है तो वो यूज़ करके जा रहा हूँ लामाडुक की तरफ। क्या हो गया? हमारे कुत्ते रुक गए, पीछे पीछे आते हैं, वो लिटरली वेट कर रहे थे मेरा। काफी बुशी है ये इस टाइम पे भी। इट्स अ पाथ लेस यूज्ड बाय द ट्रैकर्स। हम कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं बिकॉज वी आर काइंड ऑफ लॉस्ट। दिस इज लाइफ। एक बोल्डर है जिसमें हमारे यहाँ से व्यू अच्छा दिख रहा है। This is fine. Sleeveless पहन गया हो तो it's getting bit harsh. Look at that view. That's Manali. Down there is Manali. Now if you go to Damodug. रेड हिमालयन बेरी। वो कहते हैं ना, भीड़ भाड़ से अलग खामोशी के नज़दीक हूँ मैं, यहीं ठीक हूँ मैं। ये कैसी हट्टी है थोड़ी ना। सी वी आर ऑन द राइट पाथ अगेन मैन। एक नंबर। हम कई बार क्या करते हैं ना, दूसरे गलत पाथ पे चले जाते हैं। बहुत सारे फुटमार्क्स होते हैं पहाड़ों में ना, तो हम गलत घुस जाते हैं तो ये कुत्ते ना राइट पाथ पे जाके बैठ जाते हैं। दिस इज द वे टू लामाडुक। तो लामाडुक जाना है तो स्टार्टिंग का पैच थोड़ा आसान है जब तक हम सेंचुरी में एंटर करते हैं, बट बाद में इट गेट्स स्टीपर एंड नैरो, और अगर रास्ता स्लिपरी मिला बॉस तो हो पंगा है। ये ट्रैक मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ चलता है एंड इट्स लिटरली अ वॉक टू हेवन। मेरी बात तो आप मानेंगे नहीं, अब आप खुद ही देख लो मैं कौन से हेवन की बात कर रहा हूँ। मिस्टीरियस माउंटेन पीपल रहते हैं, मे बी हॉबिट और समथिंग, बिकॉज दिस इज श्योरली अ फेरी लैंड। यस, दैट इज अ फेरी डॉग। हेलो, हेलो, मोती नाम है इसका। आराम कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ट्रैक मैन, इट्स डेफिनेटली डूएबल बिगिनर्स के लिए भी। आप आ सकते हैं एक दिन में आराम से, रुक रुक के पूरा ट्रेल को एंजॉय करके वापस जा सकते हैं। अब हम तो खैर रुकने का विचार है हमारा, बट ये सुपर वाटरफॉल भी है तो ना भी लेंगे। वो आ रहा है हमारा वाइट वाला छोटा सा बुड्ढा सा। चलो डीप इनसाइड द जंगल, और ये ठंडी ठंडी हवा, it's a refreshing feeling, you know, to be here and to be able to do all these things. Really grateful. Sorry. ये ट्रैक जो करीब 7 घंटे का है, आपको 9,900 फीट की ऊंचाई पे चढ़ा देता है, जहाँ शायद ही आपको कोई इंसान मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस अल्टीट्यूड पे इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। That's the first shelter, probably the last on this trek. It's just कि वहाँ कोई रहता ही नहीं है, वहाँ कोई आता ही नहीं है, और मुझे इस ट्रैक पे एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। Here's the shelter. So just gonna chill here for a while. Yeah.
यहाँ सिर्फ आप और ये कुदरत होगी, ये हीलिंग कुदरत, ये खूबसूरत पहाड़, ये ग्रीनरी, इन द वाइल्ड रहने का वो शानदार एहसास जिसे मैं शायद ही शब्दों में बयां कर सकता हूँ। ये वो खुशी है, ये वो फीलिंग है जो मेरी छाती को जॉय से भर देती है और मेरी आंखों को पानी से। तो वहाँ जहाँ से हमने पानी भरा वो लामाडुक पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द मैप आई एम यूजिंग। और यहाँ से आगे का रास्ता बहुत विचित्र तरीके से बता रहे हैं, तो नेविगेट करना इज लाइक इम्पॉसिबल क्योंकि तो नीचे खाई और नीचे रास्ता बता रहा है। तो देयर इज दिस स्टीप नैरो पाथवे जो ऊपर जा रहा है, मोती ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो उस पाथवे पर हम ऊपर जाके देखते हैं इफ थिंग्स ओपन अप। इट्स सुपर स्टीप। आजा, रास्ता ऐसा आता ऊपर की तरफ। अखिल आगे की तरफ जा चुका है, ही इज नॉट मच कंफर्टेबल विद द कैमरा एंड आई गेट इट, मैं खुद ही नहीं हूँ ज़्यादा, बट यस दिस इज व्हाट वी डू, वी क्रिएट वीडियोस। Look at this man, how beautiful. तो मीठी है ब्रो बहुत। सुपर स्वीट। ये पूरा कंफ्यूज कर रहा है। अब मैं बता रहा है कि हमें 6 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा और फिर वापस से 5 किलोमीटर ऊपर आना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द मैप वी चोज द राइट पाथ इन द फर्स्ट प्लेस, बट इसने दिखाया था। हम सोच रहे हैं कि डायरेक्टली ऊपर चढ़ते हैं, कहीं पर भी कैंप लगा लेंगे। सो इट्स वाइल्ड पाथ हम ढूंढ रहे हैं, ऐसा जो भी मिल रहा है उस हम स्टीप असेंड करते जा रहे हैं। इट्स टायरिंग बट ठीक है, डूएबल। अंधेरा होने को भी 4-5 घंटे है, तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं है। सो गाइज नाउ वी हैव हिट द मेडोज, तो पत्थर अभी आ चुका है, यहाँ से कैंप साइट पास ही है। फिलहाल देखा जाए तो ये जगह भी अच्छी है कैंप लगाने के लिए, बिकॉज देयर इज दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्ट्रीम रनिंग अराउंड। यहाँ पे प्लेन स्पेस है तो यहाँ पे टेंट लगा सकते हैं। वी कैन डेफिनेटली कलेक्ट द वुड लॉग्स।
द लैप ऑफ मदर हिमालयाज गाइस, मदर नेचर, मदर माउंटेन, हम उनके बच्चे हैं। आई कंसिडर माइसेल्फ एज नेचर का बच्चा। आई डोंट नो अबाउट सम इगोइस्टिक ह्यूमंस आउट देयर, एज इफ ये सांप का फन है, बट तो पता है। थोड़ा सा केयरफुल रहना ट्री के साथ। लेट्स गो गेट सम वुड आग लगाने के लिए। यहाँ बाग है। अरे वाह, तो नहीं चल रहा है। लो मतलब तुम दोनों कहाँ चले गए हो? लवली, ये रात भर हमारे साथ ही रुके हैं। ये जो चीज़ होती है, दिस इज लिटरली द बेस्ट फायर स्टार्टर आउट देयर इन द नेचर मैन। See down here is water. उधर wild horse है। बुरे हमारे dogs। टाइम लैप्स चल रहा था हमारे प्यारे कुत्तों का। उस समय में हमने काफ़ी सारी लकड़ियाँ जमा कर ली है। अब टेंट के थोड़ा आगे हम लकड़ी में एक ऑब्वियसली आग लगाएंगे और फिर कुछ खाना पकाएंगे। एंड देन इट वाज अ नाइस हाइक मैन, इट वाज लाइक मस्ट हाइक था, इम्पोर्टेंट था थोड़ा बॉडी को खोलने के लिए। एंड आपको हमारी सेटिंग दिखाता हूँ मैं। ये हमने कलेक्ट करी इतनी सारी लकड़ियाँ। This is where we're gonna cook. मैगी बन चुकी है, अंडे उबलने वाले हैं, खाना तैयार है आज रात का, और सूरज भी ढलने वाला है कुछ आधे घंटे में। चलो तो टेंट के पास भी नहीं, दूरी बैठे वो दोनों कुत्ते, इतने प्यारे हैं ना। उनको थोड़ी मैगी खिला देता हूँ मैं, फिर दो अंडे भी बॉयल कर रहा हूँ उनके लिए। अच्छा I know you are hungry. रुक, मिनट रुक।
वो हवा जो पेड़ों से टकरा रही है, वो पहाड़ी नदी, वो पंछी की आवाज़, एक अलग ही प्रकार का म्यूज़िक बज रहा है यूनिवर्स का। एंड वो विल्डरनेस की खुशबू, वो कुदरत की खुशबू। इसे एक शब्द में बयां करना बहुत मुश्किल है। अगर प्रयास भी करूं तो मैं इसे कहूंगा आज़ादी, फ्रीडम मैन। इट्स सिंपली द फ्रीडम।